यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक बैक दी वेलकम टू माय न्यू पेंटिंग वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं एक सुपर कार, वो भी वाटर कलर में। और मैंने इस पेंटिंग में हैंडमेड पेपर का यूज़ किया है और उस हैंडमेड के पेपर के चारों तरफ मैंने यहाँ पर एक माउंटिंग टेप से आउटलाइन बना दिया ताकि जब हम वाटर कलर स्टार्ट करें उसका जो कलर है वो बैकग्राउंड करते समय आउटलाइन से बाहर ना निकले। इसलिए जो माउंटिंग टेप है वो बहुत ही ज़रूरी है। और उस वो करने के बाद मैंने पूरे पेपर में थोड़ा वाटर पूरा स्प्रेड कर लिया और उसके बाद बहुत ही लाइट कलर के साथ अपने ब्रश से पूरे जहाँ पर भी जो कलर यूज़ करना था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर से मैंने पूरी तरह से यूज़ कर लिया और उसे कुछ देर सूखने के लिए रख लिया। या फिर आप हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं वो लाइट कलर को सुखाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं अभी डार्क कलर का यूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जब आपका लाइट कलर पूरी तरह से सूख जाए उसी के बाद ही स्टार्ट करना अपना डार्क कलर यूज़ करना। और ये जो बात मैंने अभी कहा वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और ये जो मैंने बात कहा अभी वो सारे बिगनर आर्टिस्ट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर वो जो बेस कलर ना सूखने से पहले आप इस तरह से डार्क आउटलाइंस बना दोगे तो वो जो डार्क कलर है वो अपने आउटलाइन से बाहर निकल के कोई भी पूरे पेपर में फैल जाएगा। इसीलिए सूखने के बाद ही आप डार्क कलर यूज़ कीजिएगा। जो लोग इस चैनल में नए हैं और इसी तरह का आपको पेंटिंग रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो क्या कर रहे हो यार, जल्द से जल्द सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और उसके पास वाले बेल आइकन का ऑल ऑप्शन भी जरूर दबा देना ताकि मैं जो न्यू पेंटिंग वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, नहीं तो मैं जो भी न्यू पेंटिंग वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। और कमेंट सेक्शन में जाके ये जरूर बताइए कि ये जो सुपर कार मैंने किया है वो आपको 1 से 10 के स्केल में कितना अच्छा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जो पेंटिंग है ये अच्छा लगा या फिर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, लाइक ज़रूर कर लेना। अब फिर से बात करते हैं अपना पेंटिंग का। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, मैंने जो कार का बोनेट का पार्ट था वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सन का जो रे है वो मैंने किस तरह से व्हाइट रख लिया है और वहाँ पे मैंने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया है, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर मैंने यूज़ किया। और अभी देख सकते हैं आप मेरा जो पेंटिंग है वो फाइनल कंप्लीट हो चुका है और हम धीरे धीरे से पूरे जो आउटलाइन था हमने माउंटिंग टेप से बनाया था वो माउंटिंग टेप को आप यहाँ पर हटा देंगे। और ये करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो हमारा जो पेपर है वो फट जाएगा। ये हैंडमेड पेपर है इसीलिए उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा रफ़ होता है और यहाँ पर जो माउंटिंग टेप होता है वो रफ़ सरफेस में ज़्यादा अच्छे से पकड़ बना लेता है, इसीलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्मल पेपर से। और मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डिटेलिंग वर्क के लिए मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है। मैं डिटेलिंग वर्क के लिए ब्लैक जेल पेन यूज़ करता हूँ और ये जो पेन है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है, ये शायद 0.0 वाला जो टिप होता है वही साइज़ का ये पेन है। ये आपको यूजली बहुत सारे आर्ट स्टोर्स में मिल जाएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं डिटेलिंग वर्क के लिए। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए जल्द से जल्द। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मैंने एक सेकंड चैनल क्रिएट कर रखा है और मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस चैनल में मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और उस चैनल में मैं डिजिटल पेंटिंग अपलोड करने वाला हूं। और इस चैनल का फीचर्ड चैनल्स में आप जाके उस चैनल को देख सकते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप लोग जितनी जल्दी उस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे और उसके बाद में उसमें भी